और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक का नेम आपका क्या रहेगा? इफ कंडीशन के अंदर टाइम और डे और मंथ, ये आज का प्रोग्राम, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे आपको। पहले क्या है, सी लैंग्वेज को क्या करते हैं, ओपन करेंगे। यहाँ पे सी लैंग्वेज को क्या किया हमने, ओपन ओल्ड प्लस एफ न्यू, नया पेज हमने यहाँ पे लिया। F5 किस लिए होता है, फुल स्क्रीन के लिए F5 का यूज करते हैं। ओल्ड प्लस एंटर से क्या करते हैं, ओल्ड प्लस एंटर, ओल्ड प्लस एंटर का यूज होता है अपनी पेज यानी सी लैंग्वेज के साइज को बड़ा करने के लिए, किसका यूज करते हैं, ओल्ड प्लस एंटर। और साइज छोटा करना है तो भी हम ओल्ड प्लस एंटर से करेंगे। अब जो आज का टॉपिक है उसका नेम हम यहाँ पे फिल करते हैं, डबल स्लैश जो होता है वो किस लिए यूज करते हैं, लाइन को हाइड करने के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या फिल किया, इफ कंडीशन के अंदर, इफ कंडीशन इन हमारा प्रोग्राम है टाइम, टाइम का हम प्रोग्राम करेंगे स्टार्ट। अब जो अपना क्या है, यहाँ पे टाइम वाला प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, के बाद हैश का यूज, हैश किस लिए यूज करते हैं, प्रोग्राम की प्रोसेसिंग के लिए। इंक्लूड क्या होता है, शामिल होना। stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच मींस हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल, दोनों हेडर फाइल क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट अपनी हेडर फाइल है वो किस लिए यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं प्रिंट अप और स्कैन अप के लिए, किसका यूज करते हैं, stdio का यूज करते हैं। जो कोनियो वाली हेडर फाइल है वो किस लिए यूज करते हैं, हम clr scr और getch के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हमने क्या डाला, void, void क्या होता है अपना null, main क्या होता है function, function अपना स्टार्ट किया यहाँ से, curly bracket open curly bracket close। अब जो करली ब्रैकेट ओपन किया है क्लोज किया है, इनके बीच में हम क्या फील करेंगे, कोडिंग फील करते हैं, और जो भी कोडिंग आप फील करोगे उसके अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को शो करेगा, यानी जो भी हम इसके बीच में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट को शो करेगा। अब यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, इंटीजर, इंटीजर में हमने क्या लिया, टाइम, टाइम जो हमने यहाँ पे प्रिंट, टाइम क्या है इसके अंदर लिया, वेरिएबल लिया हमने टाइम। उसके बाद clr scr क्लियर स्क्रीन, मतलब पहले वाले आउटपुट को हटा दे, अब वाले आउटपुट को शो करे। अब हमने टाइम को क्या किया, प्रिंट अप, प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे क्या फिल किया, एंटर द टाइम, एंटर द टाइम को हमने प्रिंट अप किया। स्कैन अप, स्कैन अप किस लिए करते हैं, किसी भी वैल्यू को स्कैन करने के लिए स्कैन अप का यूज करते हैं, कि जो अपना टाइम है उसका इनपुट लेने के लिए हमने स्कैन अप का यूज किया। उसके बाद हमने इफ कंडीशन स्टार्ट की, इफ कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पे क्या फिल किया, टाइम, टाइम हमने डाला जो 12 से कम है, टाइम, टाइम लेस देन 12, कि अगर 12 से कम है तो प्रिंट होके आ जाए, तो प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे क्या प्रिंट होके आएगा, गुड मॉर्निंग, यहाँ पे हमने क्या फील कर दिया, गुड मॉर्निंग, यानी अगर 12 से कम है तो गुड मॉर्निंग आए। उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन लगाई, ये कंडीशन हमने क्या लगाई, टाइम लेस देन 18 एंड परसेंट, एंड परसेंट आपको बताया था, एंड परसेंट जो होता है वो किस लिए, कौन से ऑपरेटर होता है अपना, लॉजिकल ऑपरेटर। अब डबल एंड परसेंट जो है वो किस में यूज होगा, अपना लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाएगा। अब इसमें क्या डाल दिया, टाइम, टाइम जो है अपना रहा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 12, 18 से तो कम और 12 से ज्यादा, तो क्या दिखाई यहाँ पे, ब्रैकेट बंद, प्रिंट ऑफ के अंदर, प्रिंट ऑफ में गुड आफ्टरनून दिखा दें, यहाँ पे क्या डाल दिया, गुड आफ्टरनून। इस टाइप से हमने क्या है, इस कंडीशन पे ये वाला हमारा प्रिंट होके आई। अब आपने नेक्स्ट कंडीशन लगाई, इसके अंदर क्या फील किया, टाइम लेस देन इक्वल 24, कि हमारा जो टाइम है 24 से कम और इसके बराबर है, तो क्या दिखाए, एंड परसेंट और टाइम
यहाँ पे क्या डाल दिया, ग्रेटर देन इक्वल 18, और 18 से बड़ा और उसके बराबर है, तो क्या फील करे यहाँ पे प्रिंट अप के अंदर, गुड नाइट दिखा दे, यहाँ पे क्या प्रिंट करे हमारा, गुड नाइट फील करे। इस टाइप से हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आउटपुट को देखेंगे, कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर हमने डाला गेट सी एच। गेट सी एच क्या होता है अपना, गेट करेक्टर जो आउटपुट को शो करता है। अब कर्ली ब्रैकेट क्या है, जो फंक्शन वाली कर्ली ब्रैकेट ओपन थी उसको हमने यहाँ पे क्या किया, बंद किया। F2 से फाइल को क्या करेंगे, सेव। अब यहाँ पे किस नाम से फाइल सेव की, हमने यहाँ पे फाइल का नेम डाल दिया tim.c के नाम से फाइल को सेव किया। अब जो हमने क्या है, कमांड देखो क्या लगाई है कि जो टाइम को प्रिंट अप और स्कैन अप किया, फिर हमने टाइम में कंडीशन क्या लगाई, अगर 12 से कम वैल्यू डालोगे तो क्या दी प्रिंट होके आएगा, गुड मॉर्निंग। अगर 12 और 18 के बीच में, यानी 12 ग्रेटर देन डाल दिया, 12 से बड़ा और 18 से कम है तो क्या दिखाए, गुड आफ्टरनून। 24 और 18 के बीच में है तो क्या दिखाए, गुड नाइट दिखाए। F2 से फाइल को सेव किया, ऑल्ट F9 कंपाइल के लिए, कंट्रोल F9 प्रोग्राम को रन करने के लिए। अब हमने इसके अंदर क्या फील किया, यहाँ पे हमने डाला 14 डाल दिया, एंटर करोगे तो क्या दिखा दिया, गुड आफ्टरनून। अगर हमने यहाँ पे क्या डाला, 11 डाल दिया तो क्या दिखाएगा, गुड मॉर्निंग। यानी जो भी आपने कंडीशन डाली है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को शो कर रहा है। अब जो सेकंड प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हमारा क्या है, इफ कंडीशन के अंदर डे। अब डे वाला कैसे करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड हेडर फाइल हमने क्या की, स्टार्ट की, stdio हेडर फाइल हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड हेडर फाइल हमने यहाँ पे स्टार्ट की, conio .h, ये हेडर फाइल हमने क्या दोनों स्टार्ट की, void null हो गया, main function curly bracket start, उसके बाद curly bracket को क्या करेंगे, बंद। अब इसके बीच में कोडिंग फिल करो, डे वाली int integer डाटा टाइप लिया हमने। डे क्या होता है अपना, वेरिएबल, वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हो, ओनली डी भी प्रेस कर सकते हो, अगर डेट लिखना चाह रहे हो, डे लिखना चाह रहे हो तो डे भी लिख सकते हो। फिर हमने क्या यूज किया, सेमीकोलम। सेमीकोलम किस लिए यूज करते हैं, सेमीकोलम का यूज होता है स्टेटमेंट को बंद करने के लिए। अब यहाँ पे यूज किया हमने clrscr, क्लियर स्क्रीन, सेमीकोलम को हमने क्या किया, बंद। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या फील किया, प्रिंट अप। प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे डालेंगे एंटर द डे, डे को हम क्या करवाएंगे, प्रिंट अप और स्कैन अप। स्कैन अप के अंदर हमने यहाँ पे फील किया परसेंट डी, इन्वर्टेड कोमा सिंगल कोमा एंड परसेंट डे, डे को हमने क्या किया, स्कैन। उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ कंडीशन हमने अप्लाई की कि जो डे है वो इक्वल इक्वल किसके, वन, वन के इक्वल है तो प्रिंट अप के अंदर क्या लिखा आ जाए, प्रिंट अप। प्रिंट अप में डाल दिया हमने मंडे, संडे डालना चाह रहे हो तो यहाँ पे संडे फील कर सकते हो। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा बंद, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलम एंटर, कर्ली ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद। इस टाइप से हम डे का भी पूरा यहाँ पे फील कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने क्या डाला, इफ कंडीशन के अंदर डे इक्वल इक्वल टू के इक्वल है तो क्या दिखाए हमारा, मंडे शो करे। प्रिंट अप के अंदर क्या शो करेगा, ये मंडे। इस टाइप से हम क्या है, डे वाला भी फील कर सकते हैं। डे वाले में क्या है, जितना फील करना चाहते हो उतना आप फील कर सकते हो। फिर हमने किसका यूज किया, यहाँ पे गेट सी एच। गेट की सी एच किस लिए यूज करते हैं, गेट करेक्टर के लिए इसका यूज किया जाता है। एफ टू से फाइल को क्या करेंगे, सेव। यहाँ पे फाइल हमने किस नाम से सेव की, da.dayc, डे के नाम से हमने फाइल को क्या किया, सेव। F2 से फाइल सेव की, ऑल्ट F9 कंपाइल के लिए, कंट्रोल F9 इसको रन करवाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, एंटर द डे। अब डे में हमने क्या डाला, वन, तो वन डालोगे तो यहाँ पे क्या है, वन में क्या स्टेटमेंट डाली थी हमने, संडे दिखाए, और टू जो फिल करें उसके अंदर। अब हमने यहाँ पे कंट्रोल F9 किया, अब टू के अंदर हमने क्या फिल किया, यहाँ पे मंडे को शो करें। इस टाइप से हम क्या है, जो भी आप कंडीशन डालोगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को आउटपुट को शो करता है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम इसी टाइप से हम मंथ का भी बना सकते हैं। मंथ वाले में क्या है, यहाँ पे मंथ
क्या फील किया हमने, मन हैज इंक्लूड, इसमें क्या फील, यहाँ पे हेडर फाइल हम स्टार्ट करते हैं, हेडर फाइल हमने दोनों हेडर फाइल को स्टार्ट किया, उसके बाद हमने क्या है यहाँ पे कोनियो हेडर फाइल, फिर नेक्स्ट वर्ड, वर्ड क्या होता है अपना नल, मेन क्या होएगा अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, मेन क्या हो जाएगा फंक्शन स्टार्ट करने के लिए, अब इसमें ब्रैकेट स्टार्ट और बंद सेम क्या है एंटर, करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, अब इसमें यहाँ पे फील किया हमने आई एन टी इंटीजर, इंटीजर के अंदर हमने क्या फील किया मंथ, मंथ को फील किया हमने, अब मंथ जो वेरिएबल है उसमें के बाद क्या फील करेंगे सी एल आर एस सी आर क्लियर सीन, फिर सेमीकोलम लगाया एंटर, अब इसमें प्रिंट अप किसको करवाएंगे, जो वेरिएबल आपने ले रखा है उसको प्रिंट अप और स्कैन अप करवाते हैं, प्रिंट अप में क्या फील किया यहाँ पे एंटर द मंथ, मंथ को क्या किया हमने फील किया, इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट बंद सेमीकोलम, अब यहाँ पे क्या है स्कैन अप, स्कैन अप के अंदर यहाँ पे क्या किसको स्कैन करेंगे परसेंट डी इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कॉमा एंड परसेंट मंथ, मंथ को हमने क्या किया स्कैन अप, उसके बाद इफ कंडीशन हमने यहाँ पे स्टार्ट की, अब इसके अंदर क्या फील करेंगे मंथ जो है इक्वल इक्वल वन, वन के इक्वल है तो प्रिंट अप के अंदर क्या दिखाए अपना प्रिंट अप इन्वर्टेड कॉमा जनवरी डाल दिया जे ए एन प्रेस की हमने सेमीकोलम एंटर करली ब्रैकेट बंद, अब सेकंड हमने कंडीशन लगाई यहाँ पे मंथ, सेकंड मंथ डाल दिया हमने ये इक्वल इक्वल क्या डाल दिया हमने टू, टू के इक्वल है तो क्या प्रिंट हो गया है प्रिंट अप के अंदर यहाँ पे क्या फील किया हमने एफ ई बी फरवरी डाल दिया, उसके बाद क्या है हमने इस टाइप से हम क्या है कंडीशन को फील करते रहेंगे, जो कंडीशन को हमने यहाँ पे क्या किया फील किया और जो कंडीशन डालोगे उसके अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को शो करेगा, अब जैसे हमने यहाँ पे थ्री डाल दिया मंथ थ्री तो क्या प्रिंट हो गया आएगा प्रिंट अप में डाल दिया हमने मार्च, प्रिंट अप में क्या फील किया हमने मार्च को फील किया, अब देखो वन डालोगे तो जनवरी दिखाएगा टू डालोगे फरवरी और थ्री डालोगे तो अपना क्या है मार्च, इस टाइप से हम कंडीशन यहाँ पे फील करते जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट अपनी लाइन में क्या डालेंगे गेट सी एच, गेट सी एच किस लिए यूज किया जाता है अपना गेट करेक्टर के लिए इसका यूज किया जाता है, अब यहाँ पे क्या है गेट सी एच के बाद हमारा क्या है लगाया हमने सेमीकोलम यूज किया, सेमीकोलम जो यूज किया वो किस लिए यूज किया हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद किसका यूज करते हैं सेमीकोलम, एफ टू जो होता है वो किस लिए यूज करते हैं फाइल को सेव करने के लिए, अब इसमें फाइल को क्या करेंगे सेव करेंगे, फाइल सेव हमने किस नाम से की मंथ डॉट सी के नाम से फाइल को क्या किया सेव, अगर आपका ये ऐसा मैसेज आ जाए वार्निंग में क्या दिखा रहा है अवर राइट एग्जिट फाइल कि पहले से आपकी ये फाइल राइट है यानी बनी हुई है, तो इसको अगर इसी नाम से चेंज करना चाहते हो तो वाई प्रेस करो, अगर आप किसी और नाम से चेंज करना चाहते हो तो एन प्रेस करोगे, एन किया हम किसी और नाम से सेव करना चाह रहे हैं तो क्या प्रेस करेंगे एफ टू, एफ टू प्रेस किया आप यहाँ पे क्या है कोई भी और नेम हम फील कर सकते हैं एम ओ एन डाला डॉट सी एंटर करोगे तो आपके एम ओ एन के नाम से फाइल क्या हो जाएगी सेव हो जाएगी, अब जो आपने क्या है ऑल्ट एफ नाइन, ऑल्ट एफ नाइन आप क्या है कंपाइल के लिए इसका यूज करते हैं यानी एरर को चेक करने के लिए ऑल्ट एफ नाइन का यूज किया, कंट्रोल एफ नाइन, कंट्रोल एफ नाइन किस लिए करते हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए, अब यहाँ पे हमने क्या डाल दिया टू, टू में क्या दिखाएगा फाइव, उसके बाद क्या है हमने क्या है यहाँ पे डाला फर्स्ट, वन डाल दिया मंथ तो क्या दिखाएगा जनवरी एंटर, अगर आपको थ्री डालोगे तो क्या दिखाएगा मार्च, इस टाइप से हम कंडीशन अगर आगे आपको कंडीशन डालनी है तो इस टाइप से ऐड करते रहेंगे इसके अंदर फरवरी यानी इफ कंडीशन, अब इसमें क्या डाल दिया मंथ इक्वल इक्वल क्या डाल दिया हमने फोर, फोर इक्वल है तो क्या दिखाएगा यहाँ पे प्रिंट अप के अंदर अप्रैल दिखा देगा, ए पी आर डाल दिया हमने इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट बंद सेमी कोलम, इस टाइप से हमारे क्या है फोर प्रेस करोगे कंट्रोल एफ नाइन, फोर प्रेस किया तो क्या दिखा देगा अपना अप्रैल को शो कर देता है, इस टाइप से हम क्या अपना प्रोग्राम यहाँ पे फील कर सकते हैं,
जो भी कोडिंग डालोगे, जो भी आप कंडीशन लगाते हो, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आउटपुट को क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, हमने यानी टाइम वाला प्रोग्राम किया, डेट डे वाला किया और मंथ वाला किया। इसके अंदर क्या है, अपना जैसे मंथ वाला जो प्रोग्राम किया है उसका आउटपुट लेंगे, सभी उसका आउटपुट लेंगे। जो भी मंथ वाला आपको प्रोग्राम अभी करवाया उसका आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद कंट्रोल F9 करेंगे आउटपुट। आउटपुट के लिए हम किसका यूज करेंगे, यानी कोई भी यहाँ पे मंथ फिल करोगे, एंटर किया तो वो अपना यहाँ पे क्या करेगा, शो कर देगा, उस आउटपुट को शो कर देता है। उसके बाद क्या, अपना अब इस फाइल को हम क्लोज करना चाह रहे हैं। जो अपनी फाइल फोर नाम से बनी, देखो फोर दिखा रहा है यहाँ पे, कितनी फाइल ओपन कर रखी है हमने, फोर ओपन कर रखी है। अब इसको अगर क्लोज करना चाह रहे हो तो किसका यूज करेंगे, Alt F3। Alt F3 से अपनी वो फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाती है। और डे वाली फाइल हमारी यहाँ पे क्या कर रहा है, थर्ड वाली फाइल को शो कर रहा है। अब इसमें हमने किसका प्रोग्राम किया था, डे वाला प्रोग्राम किया था, उसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। डे वाले का स्क्रीनशॉट लो। कंट्रोल F9 करेंगे आप। इसमें क्या है, यहाँ पे डे हमने क्या फिल किया, 2 डाल दिया, तो क्या दिखाएगा, मंडे। उसके बाद इस फाइल को भी क्लोज करना है। Alt F3 करोगे तो ये फाइल भी अपनी क्लोज हो जाएगी। अब टाइम वाली फाइल अपनी यहाँ पे शो कर रहा है। अब टाइम वाले का भी क्या लेंगे, हम स्क्रीनशॉट लेंगे। टाइम वाला जो भी प्रोग्राम बनाया उसका आप क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। अब कंट्रोल F9 किया है, इसके आउटपुट को देख सकते हो। क्योंकि हमने क्या डाल रखा था, 12 से बड़ा और उसके इक्वल, वो तो क्या दिखाए, गुड आफ्टरनून, तो वो अपना यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। ये थे अपने प्रोग्राम, जो भी हमने आज प्रोग्राम करवाया है वो आपके प्रोग्राम, आपको स्क्रीनशॉट सबने लिया होगा। अब जो प्रोग्राम करवाया उसमें अगर किसी को कहीं पे भी डाउट लगा है, कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आई, तो वो आप पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।